नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कहीं पे और आप अपनी रास्ता भटक गए हैं तो कैसे आप गूगल मैप से अपनी रास्ता खोज सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे जाना है और आप गूगल मैप से कैसे पता लगा सकते हैं कि वो प्लेस हमसे कितना किलोमीटर पे और हमें जाने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों इसके लिए हम ओपन करते हैं गूगल मैप को। यहाँ पे ये गूगल मैप है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि अभी हम कहाँ पे हैं, किस प्लेस पे हैं, तो यहाँ पे आपके फोन में ये लोकेशन वाला आइकॉन होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका लोकेशन फाइंड कर देता है। यहाँ पे ये आपका लोकेशन है। दोस्तों अगर आप इस लोकेशन से कहीं पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस लोकेशन से पटना जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस सर्च बॉक्स में पटना टाइप कीजिएगा। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक करना होगा डायरेक्शन पे। दोस्तों यहाँ पे ये आपका लोकेशन है और ये है पटना। दोस्तों यहाँ से पटना जाने के लिए ये आपको दो रूट सजेस्ट करता है। यहाँ पे आपको दिखला दे रहा है टाइमिंग, मतलब कि 4 घंटा 17 मिनट लगेंगे इस रूट से जाने में और 163 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दूसरे रूट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिखला रहा है कि ये रूट कम दूरी का है, मतलब कि 154 किलोमीटर का है और 3 आवर 57 मिनट लगेंगे। दोस्तों अगर आप अगर इस रूट से जाना चाहते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब आपका ये प्लेस हो गया और आपको इस रूट से जाना है, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपके साथ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इस तरफ से आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको एक और चीज दिखलाई देता है कि अगर कहीं पे जाम है आगे में, जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है पीला है, मतलब कि यहाँ पे हल्की फुल्की जाम हो सकती है। अगर यहाँ पे कहीं पे आगे में रेड है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है। और दोस्तों आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा ये उसी तरह से यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। और यहाँ पे रीसेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जितने किलोमीटर की स्पीड में रहते हैं वो यहाँ पे किलोमीटर स्पीड दिखलाई देता है। और यहाँ पे दोस्तों ये टाइमिंग है, यहाँ पे दिखला रहा है कि आप अगर अभी से चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे 4:52 AM तक आप पहुंच जाइएगा। दोस्तों ये तो हुआ अपनी लोकेशन से जाने का। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को दिल्ली से पटना जाना है तो यहाँ पे हम इसे कट करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं दिल्ली। यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करता हूँ और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली से पटना जाने के लिए यहाँ पे हमें रूट शो कर रहा है। यहाँ पे आपको 2-3 रूट मिल जाता है। ये पहला रूट है, अगर आप इस तरह से जाते हैं तो आपको 19 आवर लगेंगे और 1061 किलोमीटर टोटल दूरी तय करना पड़ेगा। अगर आप इस रूट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों इस रूट के थ्रू आपको थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय करना पड़ सकता है। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो कि गूगल मैप से अपनी रास्ता कैसे खोजें। उम्मीद करता हूं छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।